मार्गदर्शन संस्था द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि सर्वप्रथम अध्यक्ष चंद्रभान ने उपस्थित सभी अतिथियों को उपहार स्वरूप पौधे देकर कार्यक्रम की शुरुआत की और बताया कि यह पौधे मार्गदर्शन संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयं के स्तर पर बीजों से तैयार किए गए हैं। तो वहीं मुख्य अतिथि श्रीमान अभिमन्यु सहारण जी DFO भरतपुर ने बताया कि आज पूरे विश्व में पर्यावरण की थीम ओनली वन अर्थ पर पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। आज के समय युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। सहारण जी ने यह भी कहा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल अधिक होने के कारण हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पानी की बोतल से पानी पीकर हम उसे इधर उधर यूं ही फेंक देते हैं, जिसके कारण वह कई वर्षों तक मिट्टी में पड़ी रहती है और गलती नहीं। तो वहीं विशिष्ट अतिथि श्रीमान रामदयाल कुशवाहा ने सरल शब्दों में पर्यावरण को समझाया और उपस्थित सभी युवाओं को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि हमारे आसपास के नदी नाले एवं पेड़ पौधों को हम लगातार नष्ट करते जा रहे हैं। हम युवाओं को जागरूक होकर पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, यह हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विशिष्ट अतिथि श्रीमान जयकांत ने पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे के इतिहास को युवाओं को समझाया। वैश्विक स्तर पर होने वाली पर्यावरणीय सम्मेलनों और समस्याओं के बारे में चर्चा भी की। मार्गदर्शन संस्था द्वारा वृक्षारोपण अभियान बेहद ही सराहनीय कार्य है, हम सबको इससे जुड़कर सहयोग करना चाहिए। श्रीमान स्वदेश कुमार ने सभी लोगों से कम एक पौधा लगाने की अपील की। अध्यक्ष चंद्रभान ने उपस्थित सभी अतिथियों को उपहार स्वरूप पौधे वितरित किए और बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम पर्यावरण दिवस से ही वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। यह वृक्षारोपण अभियान पूरे बारिश के समय चलेगा, साथ ही साथ लोगों को वृक्षारोपण एवं सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल न करने हेतु जागरूक भी किया जाएगा। आपको बता दें वहां उपस्थित सभी छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता लोकेंद्र सैनी ने सबका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अजय, प्रदीप, कुणाल, प्रशांत, दीपक, शुभम, श्यामू, विष्णु, उमेश, शिवम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।